बैडमिंटन में बिगिनर्स जब भी अपने से अच्छे प्लेयर के साथ सिंगल्स का मैच खेलते हैं तो हमेशा ये डाउट में रहते हैं कि शटल को कहाँ प्लेस किया जाए। तो आज मैं आपको बैडमिंटन सिंगल्स का एक बेसिक गेम प्लान बताऊंगा, जिससे आप अच्छे प्लेयर के साथ भी अपने गेम को प्लान कर सकते हैं और अच्छे से मैच को खेल के जीत भी सकते हैं। बैडमिंटन सिंगल्स के इस प्लान को हम बोलते हैं थ्री कॉर्नर टेक्निक। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। बैडमिंटन सिंगल्स के गेम में जनरली चार कॉर्नर्स यूज होते हैं, वो एक ये टू थ्री और फोर। इसको बोलते हैं फोर हैंड नेट, ये बैक हैंड नेट, ये बैक हैंड थर्ड लाइन कॉर्नर, ये फोर हैंड थर्ड लाइन कॉर्नर। थ्री कॉर्नर टेक्निक के अंदर सबसे जरूरी जानने वाली चीज़ ये है कि आपके गेम के शुरू होने के बाद 2 से 3 रैली में आपको ये जज करना है कि आपके अपोनेंट की ये जो चार कॉर्नर्स हैं इसमें से सबसे वीक और सबसे स्ट्रॉन्ग कॉर्नर कौन सा है। तो आपको ये जज करना है कि आपका अपोनेंट किस कॉर्नर से आपको बड़ी ही आसानी से फंसा ले रहा है। तो जिस कॉर्नर से आपका अपोनेंट बड़ी आसानी से आपको फंसा रहा है, इट मीन्स वो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नर है। बाकी 3 कॉर्नर्स को आप उसके वीक कॉर्नर्स में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अपोनेंट अगर 4 नंबर यानी कि फोर हैंड डीप थर्ड कॉर्नर से अच्छा खेल रहा है, तो आप इस कॉर्नर को कम से कम खेलें, इस कॉर्नर को आप रिमूव कर सकते हैं, इसको नहीं खेलना। तो बाकी बचे आपके 1, 2 और 3 कॉर्नर्स, तो आपको अपने अपोनेंट के साथ इन्हीं 3 कॉर्नर्स में खेलना है, 1, 2 और 3। तो ये आपके बचे 3 कॉर्नर्स, तो इसी को हम कहते हैं थ्री कॉर्नर टेक्निक। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने अपोनेंट को इन 3 कॉर्नर्स पे ही ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है और इस कॉर्नर को आइसोलेट कर देना है, इस पे उसको नहीं खिलाना है। तो आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ खेलिए, अपोनेंट के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रिमूव कर दीजिए और अपोनेंट के इन्हीं 3 कॉर्नर्स पे आप खेलिए। आप पाएंगे कि आपका गेम इम्प्रूव हुआ है और आसानी से आप पॉइंट्स भी ले पाएंगे। इस टेक्निक में जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को भी कभी कभी यूज करना है। अगर आप इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे तो आपका अपोनेंट समझ जाएगा कि आप उसको इस कॉर्नर पे नहीं खिला रहे, तो वो भी सिर्फ इन्हीं कॉर्नर्स पे मूव करेगा। तो बेटर ये है कि इस कॉर्नर को भी 1 या 2 बार यूज़ करें, जिससे कि आपका अपोनेंट कन्फ्यूजन में रहे और आप 3 कॉर्नर्स के साथ अपनी रैली को आगे बढ़ाते रहें। इसी तरह अगर किसी अपोनेंट का बैक हैंड थर्ड कॉर्नर स्ट्रांग है तो आपको इस पॉइंट को रिमूव कर देना है, इस पॉइंट पे नहीं खिलाना है। फिर आपको ये 2 और 3, इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करना है, 3 कॉर्नर्स को यूज़ करके इस कॉर्नर के साथ, इस ट्रायंगल के साथ अपने अपोनेंट के साथ रैली को प्लेस करना है और आसानी से अपने गेम प्लान के साथ ही खेलना है। ऐसे ही और बैडमिंटन वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।